बहुत बेहतरीन मूवी बन रहा है। चलो तो फिर तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? मैं ऐसा आ रहा था, ढाल में से ऐसी लेटी हुई थी वो, मैं उसको सीधा पैर चुप गया था। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी एकदम ठीक ठाक हैं। कभी से हेलो हेलो गाइस, पूछ लो कैसे आप सब? आप सब कैसे हैं? तो जी अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं फूफो के घर, क्योंकि हम लोग फूफो को बहुत ज्यादा शिकायत होती थी। हाँ, जो निशा फूफो है हम लोग उनके घर ज्यादा चले जाते हैं, फरहान फूफो के घर हम नहीं जा पाते क्योंकि उनके घर थोड़ा सा आगे है तो हमारा वहाँ जाना नहीं होता है। बीच में निशा फूफो के घर पे चले जाते हैं। तो फूफो ने आज हमें दावत कर दी है कि आज तो आप लोगों को आना ही आना है, और तो बस हम लोग सब रेडी हो चुके हैं। ये दावत कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है खाना खाने के लिए, है ना कभी अनएक्साइटेड ना? तो सब लोग रेडी हो चुके हैं, तुबप्पी अम्मा और सब लोग रेडी हो चुके हैं। हेलो तुबप्पी। हेलो अम्मा, अस्सलाम वालेकुम। क्या फिर दावत में कुछ मजे का बनाओ? हाँ फूफो ने मजे का बनाया होगा, कुछ खाना मजे का हो। कुछ खाना मजे का होगा। हाँ भाई, कभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है खाने के लिए, बोल रहे मजे मजे का खाना होगा, वहाँ दावत है। और स्मैपी भी रेडी हो चुकी है। हेलो स्मैपी। हेलो सलाम। हेलो मम्मा। हेलो मम्मा। मोहम्मद अभी नहीं जा रहा। फिज़ा, ओह माय गॉड, फिज़ा आ मेरे पास, आ जाओ फिज़ा मेरे पास आने के लिए। अली छोड़ दे फिज़ा को, चल टिक चल आ जाओ टिक। चलो तो हम लोग निकलने लगे हैं, 6 बज रहे हैं, हम लोग निकलते हैं घर के लिए। फिज़ा को मैं गोद में ले लेती हूँ। आ फिज़ा मेरे पीछे में जा रहा है अभी, चलो स्लीपर पहनो जल्दी से। हाँ जी चलो आ जाओ। हाय फिज़ा, हाय बेबी। मुझे लगता है आपने ना, हाय गाइस, हमें कीका दे रहा है। दिखाओ फिज़ा को, हमें कीका दे रहा है। चलो फिज़ा को, चलो 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 निकालते हैं। लाओ फिज़ा को मुझे दे दो। हाँ चलो कभी, चलो गेट लगाओ हम लोग चले। चलो भाई अस्मा पे बाय, आओगी ना? ठीक है अस्मा पे, अभी कोचिंग जा रही हूँ, वहां से फिर वापस आएंगी। सी बाय बाय। फिज़ा यू आर लुकिंग सो क्यूट, बाय करो बुक्का को जल्दी से, फिज़ा मूड में नहीं है। ओके बाय, खुदा हाफिज़। हाँ चलो कभी फिज़्ज़ा को खिलाते हुए, कभी फिज़्ज़ा को खिला रहे हैं। हाँ वारिस को तो दिखाओ, वारिस को तो हाँ। इसको कैसे चिपकाया था आपने? अच्छा मैं मैंने इसके पीछे ना क्या इसे इसे बुल्ली को दो मुझे, लो पकड़ो। यही तो डर रही है अली, तुम्हारी शक्ल ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं, तुम्हारी शक्ल एकदम वाहियात है। सुबह मनाओ, तुम्हें देख रही है ये मेरे मेरे पे फिदा है ये फिदा। अभी का तो फिकर से बच्चे नहीं देख रही अली। थैंक यू। कबीर, कबीर तो शौक में खा रहा है। स्पेशल खाना मिला है तुम्हें आज, तो मजा आ गया। पीछे उधर आ जाओ। और ये फूफो ने बनाया है काली मिर्च चिकन इज टू पनीर, बहुत ही टेस्टी खाना। लाई मम्मी आपको सुबह से मेहनत कर रहे, थोड़ा चमचा मैं भी चला दूं। ताली अली खाना बना रहा है। मम्मी एक खोल करो चिकन ही होगा ये। अब भाई जो वो
बेचारा अली बहुत काम करता है। ऊपर वाले ने बस एंड मोड वो बना दिया हमारे जैसे। थोड़ी देर उठाओ उठाओ देखो कट किया जाए अभी सबको बता दो। नहीं नहीं उठाओ लाया लाया सेट करता है एक वो गमछा और मिल जाता है पैदा होने के बाद पूरी हो जाती। चलिए भाई खाना वाना सब हो गया और आज की खबर आपको एक बताती हूँ मैं। आज हुआ क्या है, आज ही हुआ है कल हुआ था इसी कल ये हुआ परसों रात ये हुआ। चलो अली के मुंह से सुनते हैं अली क्या हुआ तुम्हारे साथ। अली बताओ बताओ क्या हादसा पेश आया परसों रात। इंडिया वांट्स टू नो जी इंडिया वांट्स टू नो तो yeah. गिफ्ट वो yeah. खास मेहमान से हमारे गली के कुत्तों से। वेरी गुड नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस क्लैपिंग क्लैपिंग। मैं मेरा एक हाथ फोन है ना इसलिए मैं कर नहीं सकती। क्लैपिंग क्लैपिंग आगे हुआ ऐसा नाश्ते का सामान लेने गए थे कि अगले दिन सुस्ती आती है उठ के जाना ना पड़े जी बेहतर। कुछ तो मिला नहीं बाहर रात के 1 बज रहे थे वापस आ रहे थे मोबाइल चलाते हुए। अब मोबाइल में ऐसी निगाह रखी के सामने देखा ही नहीं कुत्ते को ऊपर चढ़ गए और फिर उसने हमें प्यारा से गिफ्ट दिया इस जगह। वाह भाई वाह कभी अब अली के पैर में ना है कुत्ते ने काट लिया अब अली को इंजेक्शंस लग रहे हैं अली को तीन तीन इंजेक्शंस हैं और अभी काफी बाकी है। वही अली ऐसी तरक्की करना ऐसे कुत्तों से कटाना ऐसे इंजेक्शन लगाना। वैसे वैसे गलती तो मेरी थी बेचारी सो रही थी आराम से। सोती भी को तो परेशान कर दिया वो इतनी मजे में सो रही थी उसके ऊपर पैर रख दिया फोन चला रहा इतने चढ़ गया पूरा चढ़ गया उसके कुत्ते के ऊपर और बस फिर तो उसके बाद जो हुआ सीन वो देखने लायक था। फिर अली को गिफ्ट मिला भाई कभी मुझसे अब कभी मुझसे अब कभी मुझसे ऐसे अभी मुझसे कभी इतनी देर से पूछ रहा है कि उसने कैसे काटा कैसे काटा और कैसे काटा कैसे काटा ऐसे। और ये तो दांत लगा रहा है पूरा मुझे भी इंजेक्शन लगवाने पड़ जाएंगे मत काटो मेरे ठीक है। वैसे मैंने खुद के काटा लेकिन निशान और मोहम्मद तस्लीम ऑलवेज फिर उसने कैसे काटा मोहम्मद मोहम्मद पूरे दिन फोन चलाते रहो कोई काम नहीं है अंधे बन के चल रहा रोडो पे फिर इंजेक्शन अगली बार किसी की दावत करे इसको मत बुलाना बहुत सवाल पूछता है। अभी फूफा कह रही थी कभी जब से आए इनके लिए बैठा नहीं है फूफा कह रही है कभी इनको देख के तो फिर चक्कर आ जाता है। तो रिएक्शन देखो फिजा के रिएक्शन बॉटल पसंद आ रही है हाँ बॉटल के साथ साथ फिजा आपको बॉटल अच्छी लग रही है चलिए तो बस अब जो है हम लोग चाय वाय पी के अब निकलेंगे अपने घर के लिए अभी तो नहीं खाएंगे तो बातें चाय पी के जी चाय हम कहे तुम बनाओगी मतलब आप बनाएंगी और सबको पिलाएंगी फिर पी के फिर घर जाएंगे और बर्तन भी धोएंगे। ये ऐसी दावत है तो हमें रोज मिल जाएगी हम बर्तन भी धोएंगे इनकी पिछली वीडियो देखेंगे कि फूक के क्या हुई दावत अरे हटने छोटे पैकेट एक सेकंड रुक जाओ हाँ जैसे हमारी पिछली वीडियो थी जैसे इनके आप कुछ लोग देखेंगे कि हमारी फूफो की हुई दावत तो उसमें भी यही काम करती है पहले खाना खाती है उसके बाद बर्तन धोती है चाय बनाती है ना खाने का तो अब इनको फर्स्ट शिफ्ट में हमने बिठाया तो और अच्छे से बर्तन धोएंगे यानी आज फर्स्ट शिफ्ट में खाया है आज हमने बहुत टाइम बाद फर्स्ट शिफ्ट में खाना खाया है ईमानदारी में हमारा नंबर सेकंड शिफ्ट में आता है हां बट हमारा सेकंड शिफ्ट में ही आता है इनका था फर्स्ट और बड़े लोग अभी बातें शादी कर रहे हैं पूरी लगी पड़ी है टीम अपने में बातें बातें पूरे दिन ऐसे व्लॉग बनाती है हां कभी मैं ऐसे बनाती हूं ना कैसे बनाती हूं व्लॉग की मैं
एक्टिंग तो करके दिखा दो। मम्मी बात दो नाम क्यों रखे हैं? तो कभी रखे पेटू। मामा पेटू मोहम्मद मोहम्मद पेटू बोल रहे हैं। तो यार अब एक सेकंड में देखता हूँ पेटू लेटा हुआ नहीं। मानो बंदा मोहम्मद का लेटने का स्टार उसका लेटने का स्टार देखूंगा लेटे ठीक। बस हम लोग जो है वो चाय वाय पियेंगे और फिर घर भी जाना है। जब से मैं उसको ऊपर चढ़ा हूँ ना उसने वाली गली छोड़ दी, दूसरी गली में सोना शुरू कर दिया। वो डर गया वो। पापा बोल रहे थे वो बहुत अच्छा कुत्ता है और तुमने उसे डरा दिया वो दूसरी गली में चला गया। कुतिया है उसको पापा बोल रहे थे कि बहुत अच्छी है और अली ने उसे डरा के ना दूसरी गली में भेजा है, वो बहुत अच्छी थी बन गए। तो उसने हैंड पेंट बदला ले तो लिया। वही तो एक्शन एंड रिएक्शन हो गया था। न्यूटन पे थंडा लग गया तो उसे जाने की क्या जरूरत पड़ी थी फिर यहाँ से छोड़ के। अली कल जाना उसे मना के वापस लेके आना। उसने सोचा हमसे ज्यादा अंधे तो ये हो रहा है। सुनो अली कल जाना और उसको मना के वापस सॉरी करना। खाना कैसे लगा? तुम बोल रहे थे तुम्हें खाना खाना है। ये कभी बिस्किट खा के कह रहा हमारी अप्पी मम्मी अब हम चले हमारी दावत पूरी हो गई। कभी तुम्हें अच्छा लगा यहाँ का खाना? तुम बोल रहे थे बहुत टेस्टी बनेगा। बहुत टेस्टी होता है। खुशबू क्यों नहीं आ रही थी? तो बेटा वो खाओ ना नज़ले की दवाई। खुशबू नहीं आ रही तो डॉक्टर साहब से ले ले। डॉक्टर साहब से ले ले। कहाँ पे बताओ कल कहाँ जा रहे हैं हम? हाँ नहीं पता, बताओ मुझे आप। कल हम लोग जा रहे हैं मेरठ। मुझे लग रहा है दोस्तों इनका यही काम रह गया दावत खाने का। साल में 365 दिन में से माशाल्लाह से 300 दिन तो ये भारी खा रहा है। अच्छा जरा मैं अभी आती हूँ, मुझे बाजार से कुछ ये बात सही है। ये सही है रिश्तेदार अगर अपने शहर में शिफ्ट हो जाए। आज इस वाली को इस वाली को अब इस शहर में खत्म हो गए तो मेरा ही बन अब्दुल्ला। अब यहाँ दावत हो गए यहाँ पे वारिस ने मेरे ऊपर डाल दिया था दूध और उसने मुझे फर्स्ट टाइम डाला है तो मेरा जो स्कार्फ था वो गंदा हो गया था। मैंने धो धुला के जो है कूलर के आगे खड़ी हो गई ताकि जल्दी से सूख जाए। गंज क्या किया तुमने मेरे साथ अभी? क्या किया इसने मेरे साथ अभी पता नहीं तुमने? अच्छा चलो तो फिर तुम्हें घर नहीं जाना है क्या? घर नहीं जाना है तुम्हें तो फिर हाँ भुर्ता बना देंगी। बाय अली बाय जैनुल। चलिए जी अब निकलते हैं हम घर के लिए और अली हमें छोड़ने जा रहे हैं ताकि हम पे भुर्ता ना चढ़ जाए फिर से। हाँ मैंने स्टोरी पूरी बताई है अली की क्या क्या हुआ है ना। अली कुत्ता कहाँ था? कुत्ता था कहाँ? चल बाय। पता नहीं है कैसे हमारी कार में जो है वो पानी आ चुका है और पता नहीं किस तरीके से अंदर आया है इतना पता नहीं चल रहा है क्योंकि सीट सारी गंदी है, पूरी कार गंदी हो चुकी है और अजीब सी स्मेल भी आ रही है बारिश की है ना। कभी लग रही है थोड़ी अजीब सी स्मेल लग रही है इसलिए हमने शीशे खोल दिए ताकि स्मेल निकल जाए इसकी और हम इजीली मतलब नहीं है जो है वो सफर में तो बैठ जाएंगे। मुझे सफोकेशन सी हो रही है अंदर क्योंकि बहुत गंदी आ रही है बारिश की और सीट सब गंदी हो चुकी हैं। अब गंदे हो गए कपड़े भी गंदे हो गए। घर जाएंगे मोहम्मद साफ करेगा। अब जाके मोहम्मद पूरी मोहम्मद पूरी पूरी सीट साफ करना घर जाके ठीक है। हाँ तो तुम अभी के लिए एटलीस्ट सुबह के जाने के लिए तो कर ही देना प्रॉपर तरीके से साफ ताकि हम इजीली पहुंच जाए। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मेरी बिटिया बिट्टू बिट्टू।
ठीक है, घर जाके बोलना। यस गाइस, पहुंच गए सभी। मैं फ्लैश तो फ्लैश ठीक आ रही है ना? हाँ ठीक है। चलो भाई हमें भी बाहर निकाल दो कोई। भाई हमें भी निकालो, हम लोग अंदर बैठे हैं। हम गरीब से लोग, हमें पीछे मिलती है सही में, एज यूजुअल। खोल दो भाई, अरे कबीर खोल रही हूँ मैं सीट, रुको। चलो भाई कबीर आ जाओ, तू जल्दी जा। तो बस जी आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। 12 बज चुके हैं और हम लोग आ गए हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे भी नींद बहुत तेज आ रही है, लेकिन अभी मुझे स्टिल काम है बहुत सारे। काम ये है कि हाँ, आयरन करनी है, कल सुबह निकलना हम लोगों को, तो आयरन करनी है, उसके बाद सोना है। तो ब्लॉग को यहीं पे ही वाला एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, डू सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।